सावन के चौथे सोमवार पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करके चंद्रमा की समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन जैसा अदिति ने कहा कि पहले ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा का महत्व क्या है और चंद्रमा जीवन में किस प्रकार की समस्याएं देता है। देखिए, ज्योतिष में सूर्य के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह चंद्रमा स्वयं है। ज्योतिष में चंद्रमा ज्योतिष का आधार है, बेस है, और चंद्रमा के बिना ज्योतिष में गणनाएं कर पाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संबंध रखता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ चंद्रमा का जुड़ाव है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ज्योतिष में चंद्रमा कैलकुलेशन भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्वामी है। ये पृथ्वी के सारे जल तत्व को नियंत्रित करता है। 70% पृथ्वी पर लगभग पानी है और ये पानी, ये जल चंद्रमा रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। मानव का मन और उसकी भावनाएं, किसी भी व्यक्ति का जो मन है, जो उसका इमोशन है, ये चंद्रमा का ही क्षेत्र है, चंद्रमा से ही संबंध रखता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो मन की समस्याएं व्यक्ति को काफी परेशान करती हैं। उसका मन उसके लिए जीवन में एक समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके, अगर चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सके, तो निश्चित रूप से मानसिक दशा में अपार मजबूती पाई जा सकती है। और याद रखिए, मन अगर मजबूत कर लिया, मन को अगर स्ट्रांग कर लिया, तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसीलिए मन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की उपासना की जाती है और इसका ठोस कारण है। ऐसा नहीं है कि जिस ज्योतिर्लिंग के साथ आपना मन किया आपने जोड़ दिया, नहीं, उसके पीछे तर्क है, लॉजिक है, साइंस है। कौन सा ज्योतिर्लिंग चंद्रमा से क्यों संबंध रखता है? देखिए, भगवान शिव जागृत रूप में, एक्टिव रूप में, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और चंद्रमा यानी सोम के द्वारा
इसकी स्थापना करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था क्षय होने का, और पूरी सृष्टि में केवल शिव ही ऐसे थे जो चंद्रमा को शाप से मुक्त कर सकते थे। चंद्रमा ने अपने शाप को दूर करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत आराधना की थी और चंद्रमा को क्षय रोग से, शाप से मुक्ति मिल गई थी। माना जाता है कि इस शिवलिंग के और आसपास के स्थान पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा विद्यमान रहती है, इसीलिए सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो चंद्रमा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और इसके संपर्क में आ करके आप चंद्रमा संबंधित बाधाओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।